माताएं बहुत तेज में, गजब माताओं का उत्साह, नारा लगना चाहिए। मोदी नारा नारा, कौन तेज स्पीड में, जल्दी लगना चाहिए और तेज में, मुरादाबाद के धरती से आवाज आना चाहिए। माताएं सबसे जबरदस्त, विशिष्ट तालियों के गड़गड़ाहट पीछे तक, मोदी मोदी, देश का गौरव, विश्व का शान, देश का गौरव, विश्व का शान। मुरादाबाद की धरती पर मैं अपने नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुरादाबाद की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं स्वागत की कड़ी में प्रारंभ करते हुए अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य से निवेदन करता हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने नेता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी से भी आग्रह है कि पुष्प तालियां, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। हमारे नगर के मेयर आदरणीय विनोद अग्रवाल जी से आग्रह है कि पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। आदरणीय सांसद सर्वेश सिंह जी से भी, मुरादाबाद के सांसद आदरणीय सर्वेश सिंह से भी आग्रह है कि पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह यानी गदा के रूप में गदा देकर माननीय मोदी जी का सम्मानित करें। और आप जबरदस्त तालियां, आवाज लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए मित्रों, लगना चाहिए और तेज आवाज। बड़ी माला में, हाँ, हम लोगों के लिए। अब मैं बड़ी माला में सभी मान्य सांसद, सभी विधायक को से निवेदन करता हूँ कि कृपा करके अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें सभी मान्य सांसद विधायक। क्षेत्रीय महामंत्री सूर्य प्रकाश जी पाल, श्री अशोक मोगा जी और पूर्व अध्यक्ष रितेश जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें माननीय मोदी जी का। और विनोद अग्रवाल जी नगर की चाबी, हमारे मेयर विनोद अग्रवाल जी नगर की चाबी देकर सम्मानित करें। आइए, भारत माता की, भारत माता की। मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करता हूं, इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय सर्वेश कुमार सिंह जी आए और हम सबका स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करें आदरणीय सर्वेश जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं सम्मानित मंच, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं मुरादाबाद की पावन भूमि पर प्रथम बार आगमन पर मुरादाबाद लोकसभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। यहां उपस्थित सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस मुहिम में लोकसभा मुरादाबाद का बच्चा बच्चा आपके साथ है। पिछले 2.5 साल में लोकसभा में जो विकास के कार्य हुए वो कभी 70 साल में भी नहीं हुए, जैसे कि विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत हमारे 1045 गांव में विद्युतीकरण होना था, जिसमें 927 गांव में
करीब करीब विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है। सरकारी केंद्र निधि से मुरादाबाद लोकसभा में करीब 400 करोड़ से 5 सड़कें निर्मित हो रही हैं, जिनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत मुरादाबाद लोकसभा में 1,00,000 गैस कनेक्शनों के बटने थे, जिसमें 70,000 करीब बट चुके हैं। रेलवे से भी मुरादाबाद मंडल की रेल सेवाओं को आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपया प्रस्तावित हो चुका है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है, अपनी लोकसभा नहीं पूरे पश्चिम प्रदेश क्षेत्र की तरफ से ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम समर्थन मूल्य कम से कम 50 रुपये बढ़ना चाहिए, जिससे किसानों का हित हो सके। फिर पुनः मेरा लोकसभा की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब मैं निवेदन करता हूँ अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका स्वागत करने का कष्ट। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से अगर बोलेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यह संदेश हम सब कैसे दे पाएंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का खाता आप नहीं खुलने देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों, किसानों, नौजवानों के दिलों की धड़कन, माताओं बहनों के सम्मान के लिए हर पल समर्पित रहने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मुरादाबाद की धरती पर अपनी ओर से और आप सबकी ओर से पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी, इस प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार खटिक जी, मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय श्री अशोक कटारिया जी, हमारे केंद्र में मंत्री आदरणीय श्री संजीव बालियान जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मंत्री और यात्रा के साथ लगातार चल रहे देवेंद्र सिंह जी, क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, माननीय सांसद हमारे सर्वेश जी, डॉक्टर नेपाल जी, सत्यपाल सैनी जी, कंवर सिंह तवर जी, भारतेंदु जी, यशवंत जी और मंच पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे सब वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी, मैं सबका सम्मान करता हुआ यहाँ सभा में आए हुए मेरे सभी पिता तुल बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी पूज्य माताओं बहनों, मैं आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करके आज यह आह्वान करने के लिए खड़ा हूं। 2017-2014 के चुनाव में आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर विरोधियों का खाता नहीं खुलने दिया, यहां कमल ही चारों ओर खिला था। लेकिन 2017 में मैं आप सबको अपील करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश से सपा और बसपा को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबसे अपील है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार सपा बसपा का खाता नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए तैयार हैं? सपा बसपा का खाता नहीं खुलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और इस सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, इनका एक सूत्री अभियान है।
माताएं बहनें सुरक्षित नहीं, मेरे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर नहीं, विकास का काम केवल विज्ञापन पर। दुनिया का कोई देश, भारत का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां शिलान्यास तो होते हुए सबने देखा है, उद्घाटन होते हुए सबने देखा है, लेकिन ट्रायल के समय जो परियोजना अभी 10 महीने बाद शुरू होने वाली है, उसका उद्घाटन करके, उसका शुभारंभ करके, ट्रायल करके अखिलेश यादव जी आपने साबित कर दिया कि आप केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हो, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो, लेकिन जनता सब जानती है आपने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या छल किया है, क्या अन्याय अत्याचार किया है, किस प्रकार से सपा के गुंडों ने लोगों को सताने का काम किया है। इसे आज इस मुरादाबाद की विशालतम जनसभा में मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए यहां खड़ा हूं। सपा के बारे में आप जान गए हैं, बसपा के बारे में आप जान गए, लगातार सपा बसपा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, विकास का काम इस शासन में ठप रहा। और यह जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहां मुजफ्फरनगर का दंगा कोई भूला नहीं है। मैं आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे कैराना जैसी घटना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ना कैराना की घटना करने वाले गुंडे बचेंगे, ना आज जन्ना मुजफ्फरनगर के दंगे की शुरुआत करके सताने वाले कानून की नजर से बच पाएंगे। आप सबको यह विश्वास दिलाता हुआ, उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में फर्जी मुकदमे लिखे गए, जनता के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए। मैं आप सबको आज यहाँ पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यह फर्जी मुकदमे लिखने का काम कर रहे थे। 2017 में आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये फर्जी मुकदमे लिखे थे, लेकिन जब असली मुकदमे लिखे जाएंगे तो आधी समाजवादी पार्टी जेल के अंदर नजर आएगी। मैं आप सबको, यह किसानों का क्षेत्र है, यह किसानों का क्षेत्र है, यहाँ का गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान है, लेकिन बगल में हरियाणा है, हरियाणा में हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार है वहां गन्ना किसान का बकाया नहीं, मुआवजा की राशि किसान तक पहुंच जाती है, किसी योजना में भ्रष्टाचार नहीं होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज के दिन यह आह्वान करना चाहता हूं, सपा और बसपा को गरीबों की खुशी बर्दाश्त नहीं है, माताओं बहनों का सम्मान स्वीकार नहीं है। इन सरकारों में सबसे ज्यादा अगर सताने का काम किया गया है तो इनके द्वारा। मैं आप सबको आज यहां पर अपील करके, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है, या जो अभी नोटबंदी हुई है, नोटबंदी हुई है मालूम है ना सब लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में, गरीब के हित में जो फैसला लिया है, इस फैसले का आप सब समर्थन कर रहे हैं ना, दोनों हाथ से तालियां बजा करके खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन दीजिए। यह देश के हित में फैसला है, यह गरीब के हित में फैसला है, यह किसान के हित में फैसला है, या विकास के हित में फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न जातिवाद की पक्षधर है, न परिवारवाद की पक्षधर है, भारतीय जनता पार्टी विकासवाद की पक्षधर है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर आह्वान करके कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप सबका भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं लाइन जरूर जोड़ूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों से यह आह्वान करता हूं, 2017 का जो चुनाव होने जा रहा है, या जो विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, 2014 में तो आपके आशीर्वाद से माननीय मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से ये नहीं रोक पाए, इनको चिंता 2017 की कम 2019 की ज्यादा है, ये चाहते हैं 2017 तो जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। परिवर्तन को लेकर के लोगों में गुस्सा है, लोग कमल खिलाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग 2019 का रास्ता रोकना चाहते हैं, क्या आप उनको रोकने देंगे? माननीय मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए। इसलिए आज मैं अपील
अपील करूंगा 2017 में जाइए सब कुछ भूल, याद रखिए माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक अपील, एक सूचना देना चाहता हूं। एक उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के मन की बात हम आपसे जानना चाहते हैं। यूपी के मन की बात, आप क्या चाहते हैं, कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, भ्रष्टाचार वाला कि विकास वाला कि गुंडागर्दी वाला, यह आपको तय करना है। इसके लिए मैं आप सबको एक नंबर नोट कराऊंगा। आपके सबके हाथ में मोबाइल होगा और आप उस मोबाइल नंबर पे केवल मिस कॉल डालिएगा और उस मिस कॉल को डालने के बाद आपके पास हमारा फोन आएगा। आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, इसके लिए इस नंबर पे डायल करेंगे, वहां से फोन आएगा, आप अपनी बात बताएंगे, फिर आपसे हम बात करेंगे और आप जैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। भारत विश्व का नंबर एक देश और उत्तर प्रदेश भारत का नंबर एक राज्य, इसके लिए मैं आप सबका सुझाव चाहता हूं। मोबाइल नंबर उठा ले, आप सबको मैं नंबर बोल रहा हूं, 750 750 लिखा आप लोगों ने, 750 के बाद 540 के बाद 340 उसके बाद 3, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, 7505403403। इस नंबर पे आप केवल मिस कॉल करने का काम करिए। आप कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, हम आपके सुझाव के अनुसार उत्तर प्रदेश को हर प्रकार से विकास में नंबर एक बनाने के लिए आपके सुझाव के आधार पर जब भाजपा की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनेगी काम करेंगे, यही विश्वास दिलाता हुआ आप सबका फिर से एक बार माननीय मोदी जी का इस देश के विकास के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करता हुआ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री, बोलिए भारत माता की, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोदी। भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, संसद में मेरे साथी यहां के प्रभारी श्री ओम जी माथुर, सांसद श्री यशवंत सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर संजीव बालियान जी, सांसद श्रीमान सत्यपाल सैनी जी, सांसद श्रीमान कंवर सिंह जी, सांसद एवं राज्य सह प्रभारी श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी खटीक, सांसद श्रीमान भारतेंद्र सिंह जी, सांसद श्रीमान सर्वेश सिंह जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय पाल सिंह, मुरादाबाद के नगर के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र गुप्ता, मेयर श्री विनोद अग्रवाल जी, श्रीमान हरिओम शर्मा, श्रीमान ओम कुमार, राजीव सिसोदिया, विधायक श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी, श्रीमान राजेश सिंगल, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, श्रीमान सुरेश गंगवार जी, श्रीमान अशोक कटारिया जी, श्रीमान ऋषिपाल नागर जी, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमान देवेंद्र सिंह जी और विशाल संख्या में पधारे हुए
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज मुरादाबाद आने से पहले थोड़ा झिझक रहा था, थोड़ा संकोच कर रहा था। संकोच इस बात का कर रहा था कि मैं बहुत वर्षों के बाद मुरादाबाद आ रहा हूं। 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय यहां के नौजवान मेरे पीछे पड़े थे कि मुरादाबाद आइए, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। 2009 में आया था, उसके बाद मन में एक संकोच होता था कि जिस मुरादाबाद ने मुझे इतना प्यार दिया, वहां पहुंचने में मुझे काफी देरी हुई है। मुरादाबाद के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं 2014 में नहीं आ पाया था। दूर से आपको संदेश भेजा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, और मैं आज मुरादाबाद को सर झुका करके नमन करता हूं कि उन्होंने जी जान से हमारा समर्थन किया। और आज तो मैं खुद रूबरू आ गया हूं। भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में से गरीबी मिटनी चाहिए, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के कोई छोटा राज्य हो, 10, 12, 15 लाख आबादी हो, अगर वहां की गरीबी खत्म हो जाए तो क्या हिंदुस्तान की गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना? लेकिन किसी बड़े प्रदेश में से गरीबी खत्म हो जाए तो देश की गरीबी कम होगी कि नहीं होगी? और इसलिए अगर हिंदुस्तान में से गरीबी को अगर मिटाना है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां से जितनी जल्दी से हम गरीबी को हटाएंगे, देश उतना ही जल्दी गरीबी से मुक्त होगा। भाइयों बहनों, मैंने उत्तर प्रदेश में सांसद के रूप में चुनाव लड़ा, बनारस के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ सांसद बनने के लिए मैं नहीं लड़ा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव इसलिए लड़ा हूं कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा राज्य है, यहां गरीबी बहुत है, ये गरीबों के बीच जाकर के गरीबी से लड़ाई लड़ना, गरीबी से मुक्ति दिलाना, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सेवा करना मैंने स्वीकार किया है। भाइयों बहनों, हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास अगर होगा तो रोजगार भी आएगा, विकास होगा
तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, विकास होगा तो बुजुर्गों को अच्छे कम पैसों में अच्छी दवाई भी मिलेगी। अगर विकास होगा तो रहने को घर मिलेगा, घर में बिजली मिलेगी, घर में पानी आएगा, मां बहनों की जिंदगी में बदलाव आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास यही हमारी प्राथमिकता है। मुझे बताइए, जिस मुरादाबाद के पीतल के कारण हिंदुस्तान के हर कोने में हर घर में चमक दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती है? हिंदुस्तान का कोई घर होगा जहां मुरादाबाद के पीतल की चमक ना हो? कोई ना कोई तो बर्तन होगा कि नहीं होगा? घर चमकता होगा कि नहीं चमकता होगा? जो मुरादाबाद अपने पीतल से हिंदुस्तान के हर घर में चमक ला सकता है, उस मुरादाबाद में आजादी के 70 साल के बाद भी इस इलाके के 1000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था, बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। वहां के लोग 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर हो गए थे। मैं सभी सरकारों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि मुरादाबाद जो पीतल के कारण दुनिया में जाना जाए, लेकिन उसी के अगल बगल में 1000 से ज्यादा गांव आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली का एक खंभा न लगा हो, तार न गया हो, किसी ने अपने गांव में बिजली देखी ना हो, अंधेरे में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। लेकिन गांव का इंसान, गरीब इंसान ऊंची आवाज से बोल भी नहीं पाए, कुछ मांग भी ना पाए, कुछ राजनेता ठेकेदार उनको दबोच करके बैठ गए हो। भाइयों बहनों, इन मुरादाबाद के 1000 से अधिक गांव, किसी ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी थी कि मोदी जी अब तो आप उत्तर प्रदेश के हो, हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद हो, अब प्रधानमंत्री बन गए हो, हमारे गांव में बिजली का कुछ करो। मुझे किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी। मैंने खुद होकर के अफसरों को बुलाया, मैंने उनको पूछा, बताओ भाई आजादी के 70 साल होने आ रहे हैं, कितने गांव हैं देश में जहां अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है? भाइयों बहनों, मैं चौंक गया जब मुझे बताया गया 18000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। मैंने लाल किले पर से घोषणा की, घोषणाएं करने वाली सरकारें तो बहुत आई, लेकिन घोषणा कर करके हिसाब देने वाली पहली सरकार आपके चरणों में बैठी है। घोषणाएं तो हर एक ने की, बहुत की, लेकिन हिसाब देने वाली ये पहली सरकार है जो जनता को पाई पाई का हिसाब दे रही है, पल पल का हिसाब दे रही है। और देश की जनता ही हमारी मालिक है, ये सरकार की मालिक हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग है, ये प्रधानमंत्री के भी मालिक इस देश के 125 करोड़ लोग है, वही मेरा हाई कमांड है। ये जनता जनार्दन,
यही मेरा हाई कमांड है, न मेरा कोई नेताजी है, न मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है आप ही लोग हैं। भाइयों बहनों, जो काम 70 साल में नहीं हुआ उस काम को करने में तकलीफ तो होगी, आपको भी अंदाजा आ होगा। कुछ तो कारण होगा कि मुरादाबाद के बगल में भी किसी ने खंभा नहीं पहुंचाया। चुनौतियां बहुत थी, तकलीफें थी, रुकावटें थी, इरादों में भी खोट थी, पैसों की भी जरूरत थी, लेकिन भाइयों बहनों, लाल किले की प्राची से, तिरंगे झंडे के नीचे से आवाज की थी कि 1000 दिन में, और इधर उधर की बात नहीं, 1000 दिन में इन 18000 गांवों में बिजली पहुंचा के रहूंगा। अभी तो आधे दिन हुए हैं, आधे, और आपके इस इलाके में 1000 से ज्यादा गांवों में बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था, करीब करीब 950 से ज्यादा गांवों में काम पूरा कर दिया गया है। भाइयों, मैं भले 2009 के बाद आज 2016 में आया हूं, लेकिन बिजली पहुंचाने का वादा किया था, मेरे आने से पहले पहुंचा दिया है। भाइयों बहनों, जिस गांव में बिजली गई वहां के बच्चों में शिक्षा में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जिस गांव में बिजली गई, जिस मां को गेहूं चक्की में पीसना होगा, पहले दूसरे गांव जाना पड़ता था, अब गांव में चक्की चलेगी तो गेहूं पीसने का काम होगा कि नहीं होगा? जिस गांव में पानी के लिए तरसना पड़ता था, बिजली के कारण जमीन से पानी निकाल करके घरों तक पहुंचाया जा सकता है कि नहीं पहुंचाया जा सकता है? भाइयों बहनों, गांव के लोगों को भी टीवी देखने का मन करता है कि नहीं करता है? उनको भी तो कभी सांस कभी बहुत ही देखने का मन करता है कि नहीं करता है? लेकिन बिजली नहीं होगी तो बेचारे कहां से देखेंगे? भाइयों बहनों, हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारें घोषणाएं करने के लिए नहीं होती हैं, सरकारें योजनाएं बना करके योजनाओं को लागू करने के लिए होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें जहां भी मौका मिलता है, हम सभी जगह पर विकास पर बल देते हैं, वादे पूरे करने के लिए अपने आप को खपा देते हैं। आप मध्य प्रदेश देखिए, कभी मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया। 10 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से मुक्त होकर के हिंदुस्तान के विकास करने वाले राज्यों में आके खड़ा हो गया। भाई, कभी हम देखते थे कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन तो एक नंबर पे, कभी पंजाब का नाम सुनाई देता था, कभी हरियाणा का नाम सुना देता था, कभी गंगा यमुना के तट के गांव दिखाई देते थे। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जिसके पास नर्मदा मैया के सिवाय कोई नदी नहीं है, मध्य प्रदेश के लोगों ने खेती के उत्पादन में, किसानों की पैदावार में पहले से डबल पैदावार करके
देश के अन्न के भंडार भर करके आज देश में नाम रोशन कर दिया भाइयों। अगर विकास करना है तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपनों का ही विकास करना हो तो फिर राज्य का कभी भला नहीं होता है। आपने वो सरकारें अब तक देखी है, अपने लिए अपनों के लिए करने वाली सरकारें बहुत आई, आपके लिए करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। भाइयों बहनों, आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे, आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे, पक्का देंगे, दोनों हाथ ऊपर करके देंगे, पूरी ताकत वाले जोर से देंगे। आप मुझे बताइए, इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने देश को लूटा है कि नहीं लूटा है? भ्रष्टाचार ने गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने गरीब का हक छीना है कि नहीं छीना है? हमारी सभी मुसीबतों की जड़ में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, ये अपने आप जाएगा क्या? ये अपने आप जाएगा क्या? ये भ्रष्टाचार ये कहेगा अब मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है मैं जाता हूं, जाएगा क्या? नहीं नहीं जाएगा क्या? उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? कानून का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेईमान लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? नहीं नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? भाइयों बहनों, जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए, ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं बताइए, क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों,
ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाइयों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला था। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं पहले सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया, खुलवाया कि नहीं खुलवाया? ये बड़े बड़े लोग अपने पॉकेट में प्लास्टिक करेंसी रखते, कार्ड रखते, कार्ड। कुछ लोगों के जेब में तो पांच पांच दस दस कार्ड होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम बड़े बड़े बाबू अपने कहे, मैं भी गरीबों को दूंगा। 20 करोड़ गरीबों को रुपए कार्ड दे दिया, 20 करोड़ गरीबों को दे दिया। भाइयों बहनों, अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया, नोटे छापते रहो, छापते रहो, नोटे छापते रहो। इतनी नोटे छपती थी, आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भाई? आपके घर में कोई बंडल आया था क्या? तो ये बंडल के बंडल कहां जाते थे? नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। आ रहा है, आपने देखा होगा कोने कोने से। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं, अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का मजा होता है। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है, बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चुप चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। उनको कह रहे, ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल
एक रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा, और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी कर तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था सबूत लाओ। ये बराबर डिब्बे वाले बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं, लेकिन ये तब सफलता मिलेगी जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें, ये सारा ठीक ठाक होना है। कहीं मैंने 50 दिन मांगे हैं, मांगे कि नहीं मांगे भाइयों? 50 दिन तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? मुसीबत धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन वो थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मैं देश के नागरिकों को सलाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये कतार कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL 400 ऐसी गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने इस देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है, उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों बहनों। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना? अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा, मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी, मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में, और गरीब के घर में जाए वो रुपया। और वो कोई दयादान नहीं है, उन्हीं का है, ये उन्हीं को लूट करके इकट्ठा किया है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई, पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को फिर कहता हूं, आपको जो कष्ट हो रहा है और देश के लिए आप कष्ट झेल भी रहे हैं, लोगों को आप लोग आपको आकर के भड़काने की कोशिश करते हैं। कल तो मैं देख रहा था किसी टीवी पे, लोग पहली तारीख थी तो कतार में खड़े थे, परसों तो सुबह सुबह पहुंच गए और पूछ रहे थे, और सवाल भी ऐसे पूछते थे उनको गुस्सा लाने के लिए। काफी सवाल पूछने के बाद वो एंकर ने ईमानदारी से रिपोर्टिंग किया, उसने कहा मैं हैरान हूं, दो दो तीन तीन घंटे से लोग खड़े हैं, ठंड में सुबह से आए हैं, अभी तक बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी ये तो जवाब हंसते हंसते दे रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। भाइयों बहनों, देश की जनता को
इरादे नेक हैं ये पता चल जाता है, ईमानदारी का प्रयास है ये पता चल जाता है, और विश्वास हो जाता है तो ये देश कुछ भी सहने को तैयार होता है, ये मैंने अनुभव किया। देश का सामान्य मानवी बेईमानी से तंग आ चुका है। क्या किसी ने सोचा था कि 700 करोड़ देशवासी ईमानदारी की लड़ाई खुद अपने कंधे पर उठा ले? आज 700 करोड़ देशवासियों ने कष्ट झेल करके ईमानदारी की इस लड़ाई को अपने कंधे पर उठा लिया है। इससे बड़ा देश का उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है भाई। देश का सामान्य मानवी बेईमानी नहीं चाहता, उसको मजबूरन मध्यम वर्ग का आदमी, वो कभी नहीं चाहता है काले धोले का खेल, लेकिन बच्चे को स्कूल रखना हो, स्कूल वाला कहे फीस के लिए ऑफिशियल तो 500 रुपया लेकिन अनऑफिशियल 75,000 रुपया, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति बेचारा कहां जाएगा? बच्चे की पढ़ाई के लिए सर झुका करके उसको कहीं से काले करके उनको देना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, देश में एक ऐसी हवा बन गई थी सरकार वरकार कुछ होती ही नहीं है, तो ठीक है सरकार सरकार है, अरे नेता होते क्या है, उसकी जेब भर दो यार काम चल जाएगा। अब ये चलता नहीं है, वो पुराने रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए जरा परेशानी ज्यादा है। भाइयों बहनों, ये देश ईमानदारी का पक्षकार है, ये देश ईमानदारी चाहता है, ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, लेकिन वो असहाय हो गया था। आज उसको लग रहा है कि इस लड़ाई को जीतना है, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत की है, घंटों घंटों तक कतार में खड़े रहे हो, बिना खाए पिए खड़े रहे हो, ठंड में भी खड़े रहे हो, धूप में भी खड़े रहे हो, पैसे नहीं है ऐसा बोर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है, मैं मेरे देशवासियों आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। ईमानदारी के जितने रास्ते मुझे सूझेंगे, मैं देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने नोटे छाप छाप करके अपनी गाड़ी चलाई, और नोटे निकल करके भी बड़े बड़े जगह पे पहुंच जाती थी। भाइयों बहनों, यहां ये हमारे सफेद शर्ट वाले सब बैठे हैं, ये सारे नौजवान मुरादाबाद और अगल बगल के इलाके में जा घर जा जा करके मोबाइल फोन से कैसे खर्च किया जा सकता है वो सिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, अब जमाना चला गया, अब वक्त बदल चुका है, अब तो मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है, आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है, आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से जो खर्च करना है कर सकते हैं, खरीदना है खरीद सकते हैं, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके लिए एटीएम पर जाकर के नोट निकालना आप जरूरी नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं
हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके देना। भारत के लोगों की ताकत को कम बता किए, एक बार उसको पता चले कि ईमानदारी का रास्ता यह है, तो मेरे देश का गरीब से गरीब भी चल पड़ता है। मैं देख रहा हूं सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, आजकल मैंने एक व्हाट्सएप देखा, सच्चा झूठा तो भगवान जाने, व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी भी आती है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार में, कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो दो, मैं कर लेता हूं जी। अब ये वीडियो सच है झूठे मुझे मालूम नहीं, मुझको किसी ने दिखाया। कहने का मतलब ये है, हिंदुस्तानी नई चीज को स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अगर सही तरीके से बात पहुंचाई जाए, हमने अभियान चलाया था एलईडी बल्ब का, हमने लोगों को कहा कि बिजली का जो ये लट्टू लगाते हो ना, वो ज्यादा बिजली खा जाता है और आपके पैसे जाते हैं, ये नया लट्टू निकला है वो लगाइए, आपके पैसे भी बच जाएंगे और बिजली भी बच जाएगी। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने लट्टू बदल दिए, भाइयों लट्टू बदल दिए। मेरा देश परिवर्तन को स्वीकार करने वाला देश है, मेरे देश का गरीब भी इसको स्वीकार करने वाला है। और भी एक आर्ग्यूमेंट होता है, चलो मान लो नहीं है, लेकिन इस देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन है, 40 करोड़, कम से कम 40 करोड़ लोग तो नोट के चक्कर से निकल जाए। मुझे बताइए ईमानदारी आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये लेती देती बंद हो गई तो ईमानदारी आएगी कि नहीं आएगी? भाइयों बहनों, सिर्फ काला धन निकालना है इतना नहीं है, सिर्फ बेईमानों का पैसा निकालना इतना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों का पैसा निकालना इतना नहीं है। भविष्य में ये बीमारी खड़ी ना हो, इसके लिए भी बूछ बंद करना है, उसके लिए भी दरवाजे बंद करने हैं। और वो अगर बंद करने हैं तो आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी। करोगे? पक्का करोगे? ये मोबाइल फोन से खरीद करोगे तो भी मोबाइल फोन से पैसे दोगे? सारा मोबाइल पे कारोबार सीख लोगे? आज अखबार में रोज एडवर्टाइजमेंट आती है, रोज एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे आती है, मुश्किल काम नहीं है। जितनी आसानी से व्हाट्सएप भेजते हो, इतनी ही आसानी से पैसे देकर के माल खरीद सकते हो। भाइयों, अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा है। भाइयों बहनों, बेईमानी के सारे दरवाजे बंद करने के लिए मुझे मदद चाहिए। सिर्फ काला धन निकले, भ्रष्टाचार जाए इतना नहीं, बेईमानी के सारे रास्ते बंद करने का यही तरीका है। नोटे छाप छाप करके हम बेईमानों की मदद करना नहीं चाहते भाई। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। और दूसरा, मैं फिर से एक बार देशवासियों को, मैंने 50 दिन कहा था, मैं रात दिन लगाऊं, मेरे भाइयों बहनों आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है,
मेरे किसानों की तकलीफ मेरी तकलीफ है और मैं किसानों को विशेष रूप से वंदन करना चाहता हूं। तकलीफ के बाद भी बुआई में कमी नहीं आने दी, पिछले साल से बुआई बढ़ी है। ये किसानों को सलाम करता हूं, जिन लोगों को इस देश की ताकत का परिचय नहीं है वो भ्रम फैला रहे हैं, निराशा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये देश सशक्त है, देश का नौजवान सशक्त है, और जिस देश के पास 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हो, वो नौजवान देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये मौका है मेरे नौजवानों, देश को कहीं से कहीं पहुंचाने का। लोगों को सिखाइए कि हाथ में नोटों होने के बाद भी खरीदी भी की जा सकती है, पैसे भी चुकता किया जा सकता है। इनको सिखाइए, हर एक को सिखाइए, देखिए भाइयों, ईमानदारी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आपको लगता है कि ये लड़ाई जीतनी है, बेईमानी खत्म करनी है, तो खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। बेईमानों को संदेश दीजिए, देश बेईमानों को स्वीकार नहीं करेगा, देश बेईमानी को स्वीकार नहीं करेगा, देश ईमानदारी की ओर चल पड़ेगा। आइए भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलके चले। 70 साल की बीमारी को बंद करनी है, 70 साल की बीमारी से देश को बचाना है। आइए मेरा साथ दीजिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की। आवाज हर बेईमानों के रोंगटे खड़े कर दे ऐसी होनी चाहिए, हर बेईमान थरथरा करके कांपने लगे ऐसी होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने यहाँ कर हमको ये सौभाग्य, ये अवसर दिया, और जितनी भी सम्मानित जनता, सम्मानित बहनें इस परिवर्तन रैली में आई हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में उतरे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।